Hey, what's up guys? Welcome back to my new vlog. मेरे नए व्लॉग में हो गया आप लोगों का स्वागत. तो बहुत टाइम के बाद मिल रहा हूँ मैं आज आप लोगों को. मुझे पता है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मिस किया मेरे को, और जितना ही आप लोगों ने मिस किया उससे कई ज़्यादा मैंने मिस किया आप लोगों को. आज से व्लॉग की कर रहा हूँ शुरुआत. बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, व्लॉग डालो व्लॉग डालो. पुराने व्लॉग्स में भी कमेंट्स आ रहे थे, सचिन भाई कहो व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है. तो गाइस थोड़ा सा बिजी हो गया था काम को लेके, तो अब जाके फ्री हुए हैं. तो आज से अपनी डेली व्लॉगिंग कंटिन्यू रहेगी. और ये देखो कौन आया घर में. हेलो गाइस, मैं अपना बर्थडे बनाने आया हूं क्योंकि मेरी छुट्टियां पड़ी है. गोलू का बर्थडे हो चुका है, लेकिन यह अलग से, इसके बर्थडे एक बार नहीं दो बार बनते हैं, तो इसीलिए भाई आया हुआ है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए. और जैसे मामा के बर्थडे में दो दो पार्टी बॉम्बर फूटते हैं, मेरे बर्थडे में पांच पांच पार्टी बॉम्बर फूटी है. बस पांच पार्टी बॉम्बर फूट क्या करेगा, तेरा दो बार बन रहा है बर्थडे वही बहुत है. अभी एक डेढ़ महीना भीषण गर्मी के बाद चार पांच दिन से बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, तो आप देख लीजिए अभी बारिश शुरू. तो चार पांच दिन से बहुत अच्छा मौसम हो रखा है और आज भी बहुत खतरनाक बारिश होने वाली है. तो बस अपना और दिन से ही व्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं. फिलहाल चलते हैं, आपको मिलाते हैं. ये देखो बहन भी आ रखी है और पापा आज हल्द्वानी गए हुए हैं किसी काम से, अभी दिन तक आ जाएंगे पापा भी. और मम्मी लोग अभी तक नहीं आए, आएंगे मम्मी लोग भी कल आ जाएंगे. तो मैंने कहा सब लोग आ ही रहे हैं तो अपना तरीके से व्लॉगिंग कंटिन्यू करते हैं. हेलो गोलू, अब पिटाई लगेगी बेटा. तूने व्लॉगिंग शुरू होती है तो फिर पिटाई मत खा लेना मेरे हाथ से, ठीक है. अब क्या मस्त मौसम हो रहा है यार सच में. और थोड़ा धान दिखाओ यार तुम गाइस को अपने, कि धान कैसे है. अब नहीं लहरा रहे धान, तेरे कहते नहीं लहरा रहे. तो आज योगा डे, देखो गोलू क्या कर रहा है. क्या कर रहा है ये, ओ भाई भाई तो गर्दन तोड़ेगा. हाँ अपने आराम से कर. हग डे क्या आज, हग डे. योगा डे तो नहीं लग रहा मेरे को, हग डे लग रहा है आज, हग डे. और गाइस मम्मी लोग तो है नहीं, आप लोगों को पता ही है. और आजकल मेरी आफत आई हुई है खाना बनाने से लेके, सारा झाड़ू पोछा नहीं कर रहा हूँ घर का. तो ले पकड़. तो फिलहाल अभी देखो, अभी बच्चे के पीछे लग जाएगी, बच्चे को पढ़ाएगी थोड़ी देर में. और आज का लंच बना रहा हूँ मैं, छोले और राइस. तो उसके लिए मिर्च तोड़ लेते हैं. ये देखो गाइस मिर्च के पेड़ कितने बड़े हो गए, 10-15 दिन आपसे मिले नहीं हम. देखो मिर्च के पेड़ इतने बड़े हो रहे हैं. हरी हरी मिर्च तोड़ लेते हैं खेत से. मिर्ची मिर्च हो रखी गाइस, देखो हरी हरी. बस हो गया अरे, मैं तोड़ा मिर्च लाई हूँ मैं कल, कल और मम्मी आएगी तब खाती हूँ मम्मी. तो मेरे से भी तुड़वाई फिर ये कि खाली दिखाने के लिए तुड़वा रही है कि हमारे घर में मिर्च भी हो रही है. तू तो दिखाता नहीं, मुझे दिखाना पड़ेगा अब. चलो बाहर तो हो गई है बारिश शुरू, बहन पढ़ाने लग गई है गोलू को और हम बनाते हैं लंच. थोड़ी देर में पापा भी आने वाले हैं, तो पापा को आते ही चाहिए लंच और टाइम भी होने वाला है. तो ये है छोले भिगा रखे हैं, फटफट बनाते हैं सीधा और आपको मिलते हैं थोड़ी देर में. देखो मामा को कुछ नहीं आता है, मामा बोल रहे हैं बहन पढ़ाने वाली है, नहीं बहन पकाने वाली है गोलू को. मामू को कुछ पकाने वाली नहीं, पढ़ाने वाली. जब भाई पढ़ाई कर पढ़ाई. ये आजकल के बच्चों के नखरे देखो तुम, नानी के घर आए नहीं, जूस के साथ पढ़ाई हो रही है इसकी. हाँ, गर्मी के दिन आ गए, जूस तो पीना ही पड़ेगा. सो गाइस ऑलमोस्ट हो गई है शाम और फिर से व्लॉगिंग कंटिन्यू कर रहे हैं. और मौसम एकदम ठंडा ठंडा ताजगी भरा हो गया है बारिश पड़ने के बाद. और यहाँ पे जला दिए पापा ने हमारी आग, क्योंकि आज बहन बना रही है कटहल की सब्जी बाहर. जब से ये आ रखी 3-4 दिन से हमारा खाना बाहर ही बन रहा है. पॉपजू बहुत टाइम के बाद दर्शन. पापा स्टार्ट कर दिए व्लॉगिंग. बिल्कुल, हम इस चीज़ से बहुत खुश हूँ, संतोषजनक है. आप स्टार्ट करें अपना व्लॉग. ये सबसे अंदर ये जो रखना था. अच्छा ये प्लांट. हाँ, लेकिन दूसरा कमरा होना है इसके लिए. गाइस अंदर बहुत सारे इंडोर प्लांट्स भी रख दिए मैंने, तो वो भी दिखाएंगे अभी आपको. तो पापा बोल रहे हैं कि अलग गमला भी अंदर रखना चाहिए था. और गोलू तो बस 24 आवर्स खाना खाना खाना. हवाई क्या चक्कर है, व्हाट साइड हो, इधर आ. नानी लोग आ रहे हैं मेरे टॉयज लेके. ओए होए, तो आज इसकी नानी लोग भी शाम को पहुंच जाएंगे गाइस. फोन आ गया उन लोगों का, तो वो आज ही निकल रहे हैं. दिल्ली से निकल गए अभी तक तो निकल चुके हैं वो लोग, और शाम के 9-10 बजे तक पहुंच जाएंगे वो लोग भी. बाकी मम्मी स्पेशली मम्मी के लिए बन रही कटहल की सब्जी. कहां अंदर बना रही, बाहर अभी तैयार हूं बनाने के लिए. बाहर या अंदर, बाहर चूल्हे में. चलो फिर चलो, ठीक हो गया. और गाइस मैं आप लोगों को दिखा दूं, इस बीच थोड़े इंडोर प्लांट्स रखे हैं हम लोगों ने अंदर. तो ये देखो ये सारे, ये अपना पाम ट्री हो गया और बाकियों के नाम तो नहीं पता मेरे को, नाम याद थे लेकिन दिमाग से निकल जाते हैं. तो ये सारे प्लांट्स हैं, अभी आपको बाद में रिपीट करवा दूंगा, अच्छे से दिखाऊंगा ये सारे प्लांट्स. अब इनको एक एक करके अपनी अपनी जगह पे सेट करना है. कुछ थोड़े ऊपर भी रखे हुए हैं, अभी सिर्फ इसमें मिट्टी भरी है मैंने. अब अच्छे से इनको रख देंगे अपनी अपनी जगहों पर.
और ये जो इंडोर प्लांट्स लगा रखे हैं ये सिर्फ शो के लिए ही नहीं, ये घर की जितनी बैड एयर है वो प्योरीफाई करता है और घर के अंदर फ्रेश एयर बनाए रखता है। वैसे आपको पता ही बहुत बैड स्मेल हो जाती है घर के अंदर। हमारी बहना ने यहाँ पे कढ़ाई एकदम पोत के मेकअप शेकअप कर दिया है, धुएं के बादलों के बीच अपनी कढ़ाई लोहे की काली काली। और ये देखो सारा सामान ले आई है बहन, अब शुरू होगी हमारी कटहल की सब्जी बनना। इसमें सारे खड़े मसाले डाल रही हूँ आज मैं, इलायची, तेजपत्ता, दालचीनी, सब कुछ है, सब कुछ, सब कुछ है। सारे खड़े मसाले, मजा ही कटहल का उसका है। और आज इस सीजन का हम पहला कटहल खा रहे हैं बरसात के बाद। बरसात में उगता ना कटहल? उगता है, मतलब पेड़ में लगता है। गर्मियों में वैसे खाते क्या, मौसम सही तब खा रहे हैं तो कटहल वैसे गर्म बहुत होता है कह रही है बहन। तो आज मौसम भी अच्छा हुआ था, बारिश भी हो रखी है, तो इसलिए कटहल खाने का प्लान हो गया हमारा। वैसे लेकर नहीं आ रखे हैं, पता ही आपको कटहल हमेशा परोस से आता है, तो उन्होंने चार पीस करके परोस के चारों घरों में बांटे हैं, तो हमारे घर में भी आ रखा है उसमें से एक, तो बस वही सब्जी बन रही है। बहना तेरी आंखें लाल हो गई, फूटती रहे मायके में आकर मेरी आंखें। पिताश्री जी ने हमारी पूरी आग तो जलाकर रेडी करी थी, लेकिन बारिश के कारण लकड़ियाँ गीली होने की वजह से हमारी आग तो जल नहीं पा रही है। हम चाहते तो सब्जी अंदर से बनाकर भी रख सकते थे यहाँ पे कढ़ाई, बाद में दिखाता आपको कि हमारी सब्जी रेडी है, लेकिन हम बाकी यूट्यूबर्स की तरह ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, हम खुद जलाएंगे। ये कंटेंट हमारा जेन्युइन है हमेशा, राइट। आग जलाना भी सिखाओ इनको कैसे जलाई जाती है। चलो भाई रखो कढ़ाई, सेट अप रेडी करो। और गाइज यहाँ तो बनी रही अपनी सब्जी, और मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखो सामने अपना बोरिंग भी लग के रेडी है, क्योंकि आजकल धान की खेती शुरू हो गई है और धान में कितना ज़्यादा पानी चाहिए रहता है। धान की खेती बिना पानी के नहीं होती है, जितना भी पानी निकल रहा है मोटर के थ्रू वो सारा धान के खेतों में जा रहा है। तो ये है नज़ारे, और ये है नज़ारे, और मेन चीज़ है ये सारे नानी के ही खेत है। और आज तो गोलू की नानी माँ आ रही है, नानी और मासी, क्या लेकर आ रही है? ये आ रखा है अपनी यहाँ पे नानी के घर में गर्मियों की छुट्टियाँ स्पेंड करने के लिए, गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने के लिए आ रखा है लड़का। और इसके आज नानी लोग आई रहे हैं, आप लोगों को पता है, तो इतना ज़्यादा खुश है सुबह से, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे टॉयज लेकर आ रहे हैं दिल्ली से, क्यों? हाँ। और मासी कौन ला रहा है टॉयज? मासी क्या क्या लेकर आ रही है? रिमोट कंट्रोल कार, निशाना मारने वाला क्या निशाना मारने लगा? गुलेल ला रही है? अरे यार मेरा मतलब है वो ऐसे फेंकने वाला। अरे तो कल क्या करेंगे? अरे इतना तेल का डाल दिया हम तो तूने? अरे भाई कटहल बिना तेल के कटहल कहाँ बनता है? पूरी बना रही है तो तेल डाल देते हैं। और तेल देख के पापा बोल रहे हैं पूरी बना रही है तू? बनाओ सब्जी की उल्टी उल्टी बातें कर रही है। अरे यार तेल, यार कोई लोग आएंगे तो क्या कहेंगे तेरे को? तो गाइस आग अपनी जल रही है वहाँ बढ़िया, और कढ़ाई भी गर्म हो गई है, लेकिन वो तेल ऐसे का ऐसा ही रह गया, क्योंकि बहन को आ गया गुस्सा, क्योंकि पापा ने लगा दिया बहुत खतरनाक वाली डांट, कितना ज़्यादा तेल क्यों डाल दिया। तो बहुत तगड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है इन दोनों की, और बहन बोल रही है यूट्यूब में बिल्कुल मत दिखाना ऐसा। तो अब क्या करें गाइस, अब चैनल खोले अब तो सब कुछ दिखाना ही पड़ेगा। क्यों अच्छा हो रहा है, कोई कौन सा गलत काम कर रहे हैं? अच्छा है, चल आजा, बुरा मत मानो, आजा यार बहन, आजा, चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल आजा आजा आजा, चलो आजा, हम तो आजा, ऐसा नहीं करते, चलो शाबाश, होता रहता है यार, इतना तो कोई नहीं है, चलो डाल दिया इसमें बनाओ तुम। ये फाइनली डाल दिए बहन ने खड़े मसाले और प्याज। क्यों राइस सुन रहा है, क्या बोल रही है? बवाल ट्राई से बनाऊंगी मैं, ऐसा मत करना है बहन यार, तेल आग आग सब जला के रेडी कर दी है और तू बोल रही बवाल ट्राई से बनाऊंगी, बहुत गलत बात है यार मम्मू यार ये। ओए होए खुशबू तो जबरदस्त आ रही है यार। तो गाइस यही है फैमिली में प्यार मोहब्बत, देखो अभी तक दोनों लड़ मर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर गर्म हो रखे थे, और अब देखो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। पापा मसाले लेकर आ गए अंदर से, पापा कह रहे चलो यार डाल दिया तेल बनाओ इसी में। लेकिन सब्जी यार पापा सही बताऊं तो कटहल की सब्जी, अब मैं बहन का थोड़ा साइड ले लेता हूं, बिना तेल के सब्जी होती भी नहीं है अच्छी कटहल की, कटहल में तो पड़ता ही है इतना तेल। पापा डोंट माइंड यार, लेकिन नमक कम डालना तो ब्लड प्रेशर और बढ़ाएगी पापा का। अब सही है, अरे मतलब है तो नहीं, लेकिन कह रहा हूँ अभी वैसे बढ़ गया था तो देख ही रही है, ये कहना चाह रहा हूँ तेरे से, खाली और भी डबल बढ़वा रही है तू। और गाइस अब कलर देख लो अपना, लहसुन अदरक प्याज सब कुछ ब्राउन हो गया है, तो अब बारी है से मसाले डालने की।
फिर मसाले पकाएंगे इसमें अच्छी तरीके से, उसके बाद लास्ट में डालेगा हमारा कटहल। मसाले तो डाल दिए हैं, डाल दिए मसाले। मसाले अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह सब कुछ डाल के रेडी कर दिया है, सारे मसाले भी अच्छी तरीके से पका दिए। अब लास्ट में डालेगा इसके ऊपर कटहल, जो ये डाल दिया बहन ने, ये डाल दिया कटहल। देखो बाहर आनंद आ रहा है, ये चूल्हे में जो बाहर आग जला के बना रहे हो इसमें गैस की बचत भी हो जाती है, दूसरा हवा आ रही है स्वस्थ हवा चारों तरफ से, और खुले में बना रहे हो लोहे के कढ़ाई में कटहल, कौन भाग्यवान खा सकता है ऐसे लोहे के कढ़ाई में या चूल्हे में। ये गांव की याद आ गई क्यों पापा? बहुत अच्छी बात। यहाँ पर कटहल बनके एकदम हो गया रेडी। कटहल है, चिकन है, चिकन फिल कर दिया तुमने तो अपना कटहल बनके एकदम रेडी है। चलो अब करते हैं इसको, ढक देते हैं, खाएंगे शाम को। चलो अब मैं भी जाता हूँ, थोड़ा बॉडी शॉडी बनाकर आता हूँ, बाकी बढ़िया रूटीन चल ही रहा है आजकल जिम का अपना। ठंडा ठंडा पानी उठाते हैं फ्रीजर से, बर्फ़ जमा हुआ, जैसे बचपन में बच्चे लेकर जाते थे ना ठंडा पानी, वही वाली आदत है हमारी अभी भी। ये बचपना काहे नहीं जाता भाई। चलो बाय। ये देखो ये क्या लगा रखा मुँह में, फेस में क्या लगा दिया। चलो बाय। Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. So guys, घर आ गया हूँ मैं और अपना वर्कआउट भी कंप्लीट हो गया है आज का। बैक बाइसेप्स करी मैंने जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, मेरी मम्मी का वेट हो रहा है, मम्मी और बहन का, और गोलू की नानी का, नानी माँ का। देखो अभी सोया नहीं गाइज, दिन भर नहीं सोया लेकिन अभी भी नहीं सो रखा है, वेट कर रहा है कब मेरे गिफ्ट्स आएंगे। बहुत सारे गिफ्ट आ रहे हैं इसके बर्थडे का। हाँ ट्रेन लेट है तो ट्रेन थोड़ी बात तो एक ही है ना, ट्रेन में तो है नानी, जब आएंगे तभी तो आएगी। देखो तो ना ट्रेन की पड़ी ना नानी की पड़ी है, तेरे को अपने खिलौने की पड़ी है जो खिलौने आ रहे हैं इसके। अपना डिनर भी हो गया है और कटहल की सब्जी क्या गजब हो रही थी, मज़ा आ गया खा के। वेट करते करते अभी टाइम हो गया 11 बज गए और घर वाले थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गए, वो लोग 12:30-1 बजे तक ही पहुँचेंगे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उन लोगों को। अभी जस्ट बात हुई है बहन से, और बाकी आप लोगों को ऐसी अब डेली व्लॉग्स मिलते रहेंगे, कोशिश करूँगा कि डेली व्लॉग्स ही करता रहूँ। चलिए मेरे को भी इजाजत दीजिए और आपसे मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में, फिर मिलते हैं आपसे। चलिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। नो मैटर हाउ मच दैट आई स्क्रीम नोबडी हियर्स बट आई सी द लाइट फ्रॉम फार अवे, इट्स डाउन द लाइन।